नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि डेली आप लोगों की लाइव क्लास चलती है, 10th क्लास का 7:15 PM पर डेली लाइव क्लास चलती है, तो आप लोग लाइव क्लास लेना नहीं भूलें। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का सेट नंबर 3 विज्ञान का सेट 3 का हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जितने भी है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर एक बोल रहा है बाबू कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। हम परावर्तन का नियम दो होता है, जिसमें एक नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, ये एक परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आपतन कोण 60 डिग्री है तो जब आपतन कोण आती हुई किरण को आपतन कोण बोलते हैं, यह अभिलंब होता है, तो ये उतना ही डिग्री पर जाएगी। तो जब ये 60 डिग्री कोण बना रही है तो परावर्तन कर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का ही, ठीक है, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। तो क्लियर है बाबू? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक का सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए बाबू, आर दिया है 54 सेंटीमीटर, ठीक है, और एफ पूछ लिया है, क्या होता है सूत्र, एफ बराबर आर बाई टू। तो एफ बराबर आर का मान रख दीजिए 54 और बटा में 2 कटा दीजिए तो 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसका समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कहां पर वस्तु को रखा जाए कि उसका कहां पर रखा जाए जिसका उसका मान आकार होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोकस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच बोल रहा है बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए, समतल दर्पण सूक्ष्मदर्शी में। चलिए तो गाड़ी के हेडलाइट में क्या होता है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपना मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें, पहले नंबर हम बताते हैं कि ये ऑप्शन नंबर एक बोल रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन। यदि प्रकाश का परिवर्तन होता है तो इसमें क्या होती है कि किरणें जिस माध्यम में आती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बोल रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जब कोई चीज देखिए ये है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है किरण, ये क्या है, ये घटना कौन सी घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इम्पोर्टेंट बात कि लाइव क्लास चलता है 7:15 में डेली, तो आप लोग लाइव क्लास लेना नहीं भूलें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ
में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। चलिए ऑप्शन से हम लोग देखें, बर्फ में प्रकाश की चाल होगी, या किरोसिन में, या वायु में, या हीरा में। तो इसका आंसर होगा वायु में। वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस बोल रहा है बाबू, इसका क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, 9 नंबर बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर, जिसे हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए स्मॉल डी से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धित क्या होगा? 3 गुना प्रतिबिंब बना रहे तो उसके द्वारा लेंस पे उत्पन्न आवर्धित क्या होगा? तो क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन बी। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए बाबू, नेत्र है, मान लीजिए कोई भी मानव नेत्र है, मेरा नेत्र मान लीजिए या किसी का भी नेत्र है, उसमें किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? हम किसी भी वस्तु को देखते हैं जब हमारे आंख पर प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का, तो वही चीज यहाँ पर पूछ लिया है कि नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो वो होगा दृष्टि पटल, 11 का ए। क्लियर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो देखिए बाबू, निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस के द्वारा हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर के वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर के वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो अवतल लेंस क्या है? ये है अवतल लेंस, ये है। ये क्या करता है बाबू? ये जब भी कोई रेखा आती है तो ये दूर भेज देता है। ठीक है, ये दूर भेजता है, तो ये दूर की वस्तु को देखने में मदद करती है, तो इसलिए ये क्या है? अवतल लेंस ही इसका आंसर होगा। चलिए क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? जेनरल आंख, मतलब सामान्य आंख की दूर बिंदु क्या है, मतलब हम कितने दूर तक देख सकते हैं? अनंत। ठीक है, ठीक है बाबू, क्लियर है। चलिए 14 नंबर पर आते हैं कि दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो श्वसन, श्वसन की जो जैव प्रक्रम है, जो श्वसन की प्रक्रम है, उससे हम लोग क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो देखिए, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को डालते हैं हम लोग। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये सेट नंबर 2 की 1 में भी है। ठीक है, चलिए, तो बोल रहे कि दिए गए अभिक्रिया किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, सी को देखिए, सी का उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन,
18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि दिए गए जो समीकरण है रासायनिक समीकरण, इसमें कौन संतुलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि AgNO3 प्लस NaCl। तो देखिए क्या क्या है, Na एक है, Na हो गया, NO3, ठीक है, NO3, ठीक है, यहाँ तक AgCl, तो Ag एक है और Cl एक है, तो ठीक है, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर टू देख लेते हैं। ऐसे तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही क्लियर हो गया, चलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो गया, 18 का ए। चलिए आते हैं बी नंबर, बी नंबर पर आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लौह चूर्ण तथा लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही हो गया, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्लियर है। चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। यहां पर बोल रहा है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिटमस। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर बोल रहा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। हड्डियों को जोड़ने के लिए किस लवण का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यदि हम लोग का हड्डी टूट जाता है तो क्या होता है, प्लास्टर होता है ना, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जो है Ca(SO4)1/2H2O, ये एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र है, क्लियर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेम वही आ गया बाबू कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, Ca(SO4)1/2H2O, क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। यहां पर एक समीकरण दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समीकरण दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, 2H2+O2 और दे दिया है H2O, तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, क्लियर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि हर सेट में एक अम्ल वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में अम्ल वाला क्वेश्चन पूछेगा ही, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, क्लियर है बाबू। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस बिलियन में क्या होगा, इस बिलियन में क्या होगा, तो HCl होगा, इस बिलियन में क्या होता है, HCl होगा, क्लियर है, क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी 2 होगा, क्लियर है, क्लियर है बाबू। चलिए चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसके पहले हम बता दें आप लोग कि यदि क्लास अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, क्लास का पढ़ाई हर कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली लाइव क्लास चलता है 7:15 में, आप लोग लाइव क्लास लेना नहीं भूले, लाइव क्लास जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, वहाँ पर बहुत फायदा होगा आप लोग के लिए। ठीक है,
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है, तो पाचन करता है खाद्य रिक्तिका में, ठीक है। और भोजन किससे करता है, तो कूटपाद से वो भोजन करता है, और भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो खाद्य रिक्तिका में, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि 25 तारीख से आप लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच आने वाला है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग उस क्लास को लें, ठीक है, लाइव क्लास से जुड़े। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 28 नंबर, इसी चैनल से लाइव आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो क्या होगा, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, आंसर क्या होगा, पेप्सिन होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी भोजी पोषण होता है, तो क्या होगा आंसर, अमीबा में, अमीबा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 4, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4, चलिए क्लियर है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, क्षारीय करता है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, तो क्या आएगा आंसर, पीत, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वृक्काणु है, क्लियर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, तो इसका यह होगा ऑप्शन नंबर डी, यह भोजन का संवहन करता है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लियर है बाबू सारे बच्चे को। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है, तो क्या होगा आंसर, पपीता, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि दिए गए चित्र, यहाँ पर चित्र ध्यान से देखिए, और इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार का जनन को दर्शाया जाता है, तो मुकुलन, मुकुलन किस प्रकार का जनन को दर्शाया गया है, तो मुकुलन, ठीक है, क्लियर है 35 का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ये क्वेश्चन रिपीट है, सेट में क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो 36 का ए होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, तो इसका आंसर होगा सी, गर्भाशय, ठीक है, सी होगा, गर्भाशय होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका क्या आंसर होगा, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए, 38 का क्या होगा, ए होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा वो होता है कि जिन्हें हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं, उस ऊर्जा को एक बार यूज करने के बाद पुनः उस ऊर्जा को यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा, सौर ऊर्जा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसी लगी क्लास, इसी के साथ हम लोग आज साइंस का सेट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसी लगी क्लास, यदि क्लास आप लोग को हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग लाइव क्लास 7:15 में, डेली 7:15 में लाइव क्लास चलता है 10th क्लास का, तो लाइव क्लास लेना नहीं भूले। और 25 तारीख से आप लोग के एग्जाम के पहले कुछ स्पेशल बैच आने वाली है, तो आप लोग फ्री में इसी चैनल से उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए पढ़िए और अपने लाइफ को संवारिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।